नमस्कार विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। कल अध्याय में पढ़े थे अपने पटवारवृत्ति सीधी परीक्षा का पाठ्यक्रम। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस मुख्यालय में निकली हुई कांस्टेबल भर्ती का पाठ्यक्रम, जो 2020 का है। इस प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों, देखो इसमें है कुल क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे और अंक है 75। उसमें निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार है आपके सामने। देखो जो पहला बिंदु है ए पर है वह है विवेचना एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है। कुल क्वेश्चन आएंगे 60 और अंक होंगे 30। इस प्रकार वह भाग है वो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक। कुल क्वेश्चन आएंगे 35 और ये आएगा 17.5 नंबर का। इस प्रकार अब हाल में नया जोड़ा गया है वो है महिलाओं से संबंधित है। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, वो आपको अच्छी तरह रीड करनी है। देखो ये जो क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 5 और प्रश्न इससे संबंधित कुल क्वेश्चन की संख्या सॉरी वो है 10 है और अंक है 5। इसी प्रकार जो लास्ट वहाँ है वो आपके सामने दह भाग है, वो राजस्थान से संबंधित राजस्थान के इतिहास, संस्कृति एवं कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियाँ। ये इसके क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 में से आएंगे वो 45 क्वेश्चन आएंगे और इसका जो वेटेज दे रखा है मार्क्स है वो 22.5 अंकों का है। तो ये सामने आपके सामने जो चार मुख्य बिंदु हैं उसका इस प्रकार है। अब मैं आपके सामने इनका विस्तार से आपका जो बता देता हूँ। देखो पहला है कंप्यूटर विवेचना है, कंप्यूटर एवं तार्किक। तो इसमें देखो इसमें जो दे रखा है आपके सामने, तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता है उसका जो पहला है जो वो है क्रम परीक्षण है, वेन आरेख है, डाटा आरेख है, दिशा है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त रक्त संबंधी है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग है, सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध, असंगत, विभाजित छांटना, श्रृंखला, इसके अलावा मैट्रिक्स से संबंधित है जो मैट्रिक्स, लुप्त संख्या, अक्षर ज्ञात करना, बैठक व्यवस्था, पेजल टेस्ट, पासा, घन घनाभ, कथन निरीक्षण, हाथ मिलाना, उपहार संबंधी प्रश्न, घड़ी, कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न, दर्पण, जल प्रतिबिंब और यह गिनना अतः अक्रमिकता को गिनना, अशाब्दिक। ये तो थे आपके विवेचना संबंधित। अतः ये आपके सामने जो दे रखे हैं वो तर्क संबंधित है, मेंटल एबिलिटी में इस प्रकार के पॉइंट आएंगे। अब आपके सामने जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु दे रखा है वो है कंप्यूटर। अतः पहले जो 60 क्वेश्चनों में से कंप्यूटर के जो आएंगे आपके सामने इस प्रकार है, वो पाठ्यक्रम है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के परिचय पूछेगा, उससे संबंधित है, कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पर कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी। पता ये इस ये तो थे आपके जो आपके ए भाग से संबंधित, जो कि कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का होगा। अब आपका बे भाग में है सामान्य विज्ञान। उसमें सामान्य विज्ञान में निम्नलिखित है विद्यार्थियों, देखो सामान्य विज्ञान में पहला है कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएगा, विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। ऊर्जा वह उष्मा है, लेंस दर्पण है, प्रकाश ध्वनि, अणु परमाणु, अम्ल वसार, पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ईंधन है, कोशिका है, मानव रोग एवं उसके उपचार, पोषक पदार्थ। ये तो थे सामान्य विज्ञान। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने, देखो ये दे रखे हैं। तो एक ये है न्यूटन की गति से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूटन की गति है आपके पाठ्यक्रम जोड़ रहे, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबक है, उसके गुण हैं, धातु अधातु की मिश्र धातु क्या है इससे संबंधित, कार्बन उसके यौगिक, रेडियोटिक पदार्थ, शरीर के तंत्र, उत्तक, तरंग, इसी प्रकार पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता संबंधित। और वर्तमान में जो
पर्यावरण मुद्दे हैं उनसे संबंधित हैं, आनुवंशिकता से संबंधित आपकी पाठ्यक्रम का एक चैप्टर, जंतुओं पादप वर्गीकरण है, पौधों पादपों का भोजन है अवशोषण से संबंधित एक चैप्टर आपका। अगला चैप्टर है अंतरिक्ष अनुसंधान रक्षा प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार आपके सेक्शन इसी में वे में जो दे रखा है वो आपका इस प्रकार है। एक है अभी अगला टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, उसमें निम्नलिखित बिंदु आपके सामने हैं वो है भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य। आगे विद्यार्थियों इस प्रकार है संघीय प्रणाली राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका, राज्य राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है आपके सामने। इसी प्रकार आगे जो आपके सामने है वो अगला टॉपिक वो इस प्रकार है। देखो ये आपका भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टॉपिक जोड़ रखे हैं जो आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। इन टॉपिकों को आपको इस प्रकार अच्छी तरह रीड करना है। पहला देखो, एक तो है आपके सामने एक टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध, जैन एवं विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण। इसके अलावा ये तो प्राचीन भारत के टॉपिक थे, मध्यकाल का जो टॉपिक है इस प्रकार मध्यकाल भारत का इतिहास, दिल्ली संतलत है, विजयनगर साम्राज्य है, मुगल वंश है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, विश्व इतिहास के से संबंधित प्रमुख कठिनाई है। इसी प्रकार आधुनिक काल में आधुनिक जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित निम्नलिखित टॉपिक दे रखे आपके पाठ्यक्रम में, वह भारत में यूरोपियन का आगमन, भारत के ब्रिटिश सत्ता, 1857 की क्रांति, ये इसको आपको अच्छी तरह रीड करना है। इस बार सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उसका योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे देखो इसी में जो अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है तो वो है भूगोल एवं समसामयिकी। अब ये भूगोल और समसामयिकी का अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पेश करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, इस प्रकार देखते रहिए।